साउथ विलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का हुआ शुभारंभ। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रामानंद प्रसाद सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बताते चलें कि बेंगाबाद प्रखंड के तेलोनारी पंचायत के गमतरिया में साउथ विलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में कोविड 19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए बहुत ही कम संख्या में लोग मौजूद हुए और कोविड 19 के नियमों का पालन भी किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस ऑफिसर रामानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि आज गांव के क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का साउथ विलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक ने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं विद्यालय प्रबंधन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इस उद्घाटन समारोह में आए हुए अतिथियों ने बारी बारी से अपनी अपनी बातें रखी। बताते चलें कि इस विद्यालय में नर्सरी से सातवीं क्लास तक की पढ़ाई होगी। वर्तमान में इस विद्यालय में नामांकन जारी है। यह विद्यालय CBSE पैटर्न पर आधारित है। इस विद्यालय के डायरेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब, स्पेशल ट्रेनिंग जैसे स्पोकन इंग्लिश, हैंड राइटिंग एवं स्किल डेवलपमेंट जैसी सुविधाएँ विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस विद्यालय का परिसर भी भव्य है। यहाँ छात्र छात्राओं को सुविधाएं मिल सकेंगी। इस विद्यालय में अनुभवी शिक्षकों के द्वारा यहां के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। तो साउथ विलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन में आज चीफ गेस्ट के तौर पर रिटायर्ड आईएएस हैं आप सर, और आज गमतरिया जैसे ग्रामीण क्षेत्र है ऐसे जगहों पर जब स्कूल या विद्यालय खुलते हैं तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? ये साउथ विलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं निर्मल बाबू और डायरेक्टर हैं अनिल सिंह जी, इनका बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय प्रयास है। एक बहुत अच्छा कदम है, इस क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है और यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। इसके लिए हम इन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनसे यह भी निवेदन करेंगे कि जिस प्रयास से इस स्कूल को, जिस उद्देश्य से खोले हैं यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, वो बराबर कायम रखें और हम सबों का उनको सहयोग मिलेगा इस कार्य के लिए। और जैसा कि हम आज पाए, सबों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। सर, एक जैसे आप रिटायर्ड आईएएस भी हैं, अभी आपकी जो आप कह रहे थे बहुत ही एक दिलचस्प बात आपकी सामने आई कि समानता जो है, जो देखा नहीं जाता है बेसिकली, वो समानता को बरकरार रखने के लिए विद्यालय के जो प्रबंधक हैं वो किस तरीके से हो, क्योंकि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि समानता जो है वो दिखती नहीं है बच्चों के बीच में, और खास करके प्राइवेट जो संस्थान होते हैं उसमें, उसको लेकर क्या? देखिए, अभी राइट टू एजुकेशन जो है एक अधिकार बन गया है, तो उस अधिकार की प्राप्ति तभी हो सकती है जब विद्यालयों में समानता की भावना हो बच्चों में। तो मैंने तो निवेदन किया है कि आप यहाँ पर चाहे कितने भी बड़े बाप का बेटा हो, बड़े बाप मैंने कोई धनी बाप का बेटा हो, कोई बड़े पदाधिकारी का बेटा हो या कोई बड़े राजनीति का बेटा हो, सबका बेटा यहाँ विद्यार्थी है और सब बराबर है। उसके लिए एक यूनिफॉर्म की व्यवस्था होती है, यूनिफॉर्म तो करेंगे ही, आज अच्छे स्कूल में यूनिफॉर्म होता है। मेरा एक सुझाव है कि अगर अगले दिनों में ये एक ऐसी व्यवस्था कर सकें गार्जियंस के सहयोग से, उनकी सहमति लेकर, कि एक तरह का नाश्ता जो टिफ़िन होता है प्रोवाइड करें, तो उससे जब सब बच्चे जब खाते हैं टिफ़िन और एक तरह का टिफ़िन खाते हैं तो उसमें एक अच्छी भावना आती है कि हम सब बराबर हैं। तो ये एक तो एक कदम हुआ। असल जो बात है कि विद्यालय में भावना होनी चाहिए कि आज यहाँ पर वही बच्चा आगे है, बड़ा है, जो पढ़ने में अच्छा है, जो पढ़ने में सबसे अच्छा है वह नंबर वन है, उसके बाद नंबर टू है। ऐसा नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है वह नंबर वन है, गरीब का बेटा है वह अंतिम नंबर पर चला जाए। तो ये स्कूल प्रबंध समिति को करना पड़ेगा और करेंगे, वो ऐसा करेंगे। इसी तरह से और भी सोच ला सकते हैं कि कैसे बच्चों में एक बड़ा समानता की भावना लाया जाए। समानता की भावना से होगा क्या कि एक प्लेटफॉर्म से सभी को समान तरीके शुरू करेंगे। अगर आगे और पीछे से शुरू करेंगे तो फिर वहाँ पर स्कूल में भी आगे पीछे हो जाएंगे। यहाँ सभी बच्चे आएंगे, समान है, अब दौड़ो, अब पढ़ाई में दौड़ो, कौन आगे निकल सकते हो। तो ये मेरा विचार है और हम समझते हैं प्रबंध समिति के लोग ऐसा करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, युवाओं को क्या कहेंगे आप, क्योंकि आजकल जो है युवा और एक तरीके से बेरोजगारी का भी आलम है। आप रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को लेकर भी यहाँ के बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि कैसे हम उसको क्रैक करें, या बहुत तरह की भावनाएँ होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को बहुत कम ही मिलता है कि कोई आईएएस लेवल तक लोग गए हों, और ख़ास करके हमारे जो बेंगाबाद क्षेत्र में लोग हैं वो इतना दूर सोच नहीं पाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, कैसे उनके लिए क्या एक ऊर्जावान शब्द कहें? हम इस क्षेत्र के युवाओं से एक अनुरोध करेंगे कि आप साउथ विलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जो खुला है, अभी शुरू में खुला है तो बहुत खामियां रहेंगी विद्यालय में, एकाएक इनमें सारे गुण नहीं आ जाएंगे। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इसकी खामियों को सुधारने में आप सहयोग करें, वो खामियों की चर्चा केवल नहीं करें कि विद्यालय में ये खामी है वो खामी है,
और उनके सहयोग से जब विद्यालय सुधरेगा तो उन्हें भी इसका गौरव मिलेगा कि हम इस विद्यालय को सुधारे हैं। हम आजकल के युवाओं को केवल एक ही अनुरोध करना चाहेंगे, एक उनको हम संदेश देना चाहेंगे कि आप जल्दी निर्णय ले लेते हैं, जल्दी निर्णय ले रहे हैं। कोई भी निर्णय लेने के पहले सोचें कि यह किस प्रयास से शुरू किया गया है, क्या क्या किया, इसके अच्छे गुणों को भी देखें, ये जो नहीं कर पा रहा है उसको भी देखें, जो नहीं कर पा रहा है वो कैसे होगा उसमें सहयोग करें, और सब मिला करके अगर उनका सहयोग मिलेगा युवाओं का, आज के समय में युवाओं का सहयोग बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, तो इस विद्यालय को वो सहयोग करें, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है। और इसकी खामियों को दूर कैसे किया जाए इस पर विचार दें, सुझाव दें, और इसके अच्छे गुणों का भी प्रचार प्रसार करें। यह विद्यालय, यही बहुत ही सराहनीय प्रयास हुआ है कि इस क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय खुला है, और विद्यालय सफल हो तो हम समझते हैं हम सबों को इसके लिए इसका आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये जो विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्रों में खुला है, समाधान इंडिया भी अनंत शुभकामनाएं यहाँ के प्रबंधक को देती है। तो आज उद्घाटन है साउथ विलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं अनिल सिंह जी। क्या संदेश होगा, बड़ा एक तरीके से आप अभी कह रहे थे उद्घाटन करने के लिए आए थे सर, रामानंद सर कह रहे थे बड़ा दुस्साहस किए हैं कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जग सके, आपने एक नया प्रयास किया है, क्या कहेंगे? मेरा यही प्रयास रहा कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग गिरिडीह रांची उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस क्षेत्र में, इसलिए यह स्कूल को बनवाया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में इसको बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाऊंगा, और यहाँ के जो शिक्षा होगी उच्च स्तरीय शिक्षा, मैं सभी टीचर को बाहर से ला रहा हूँ, और मैं मेरा अथक मन प्रयास रहेगा कि मैं पूरे एकदम ईमानदारी से इस स्कूल में मेहनत से इसको आगे बढ़ाऊंगा, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि इसका नाम पूरे झारखंड में मैं रोशन करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक जानकारी दे दीजिए कि एडमिशन वगैरह अभी स्टार्ट होने जा रहा है क्या, क्योंकि COVID-19 का प्रोटोकॉल है? हाँ, एडमिशन अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, 6100 रुपया फीस है, जिसमें एडमिशन फीस 3000 अभी हमने फ्री रखा है। अच्छा, जो बच्चे कौन से क्लास तक अभी पढ़ाई होगी? 7th तक, नर्सरी टू 7th तक। अच्छा, CBSE पैटर्न? हाँ, CBSE पैटर्न, सारे इंग्लिश मीडियम के टीचर रहेंगे। अभी एडमिशन चल रहा है? हाँ, एडमिशन चल रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे मान के चलिए दूर दराज से जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहेंगे, उसके लिए क्या वाहन वगैरह की? वाहन की व्यवस्था है। हाँ, वाहन हम भेजेंगे। अच्छा, उसका चार्ज वो देना अलग से देना। चलिए, शुक्रिया आपका। तो डायरेक्टर हैं अनिल सिंह जी, इनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उससे कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जितना बड़ा से बड़ा स्तर स्कूल परिसर का बनाया जा सके उसको बनाने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।